मेरा नाम जितेंद्र पाठर है। मैं ये एक फायर की आपको ट्रेनिंग दूंगा, ये आयुष फायर की तरफ से। जो इक्विपमेंट, मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना आपको? हाँ, सब लोग सुन रहे हैं ना बराबर? मैं आयुष फायर की तरफ से जितेंद्र पाठारे आपको फायर इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा, जो इंस्टॉलमेंट किया है, क्या यहाँ पे किए, जो किए हैं, और उसका प्रैक्टिकल हम करके बताएंगे, ठीक है। ये आग एक ज्वलनशील पदार्थ है, बराबर है। तीन चीज़ों से आग लगती है, कौन से ये तीन चीज़ें मालूम है आपको? ऑक्सीजन, हाँ, माचिस से भी लगती है, यानी उसको क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीन चीज़ें एक साथ जब आती है तब आग लगती है। तो ये तीन चीज़ों में से हमको एक चीज़ को अगर हम निकालते हैं, साइड में करते हैं, तो उसको आग बुझ जाती है। क्या होता है? आग बुझ जाती है। तो हम कैसे करेंगे, हीट को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे? हीट को हटाएंगे तो पानी डालेंगे, यानी कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। जैसे हम फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो बिठाया है, स्प्रिंकलर जो बिठाया है, वहाँ से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, बराबर। पानी के अंदर, पाइप के अंदर जो प्रेशर होना चाहिए वो हिसाब से अगर प्रेशर है तो आग तुरंत बुझ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम ऑक्सीजन को हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन को फायर एक्सटिंग्विशर से, फायर एक्सटिंग्विशर से, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? ये काम क्या करता है, इसके अंदर जो पाउडर है वो क्या करता है? ब्लैंकेटिंग करता है। क्या करता है? जहाँ पे आग लगी है उसके ऊपर पाउडर की चादर फैल जाती है और आग बुझ जाती है। यानी ऑक्सीजन कट करना, यानी ब्लैंकेटिंग करना। क्या करना? ब्लैंकेटिंग करना। ऑक्सीजन को हटाना मतलब ब्लैंकेटिंग करना, इसके ऊपर चादर डालेंगे, आग बुझ जाएगी। तो हम फायर एक्सटिंग्विशर से क्या करते हैं? ब्लैंकेटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्यूल, फ्यूल का मतलब सामग्री, यानी अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है, हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्या करना है? क्या करना है? सप्लाई बंद करना है। मेन क्या है? मेन सप्लाई जो होता है हमारा, उसको हमको बंद करना है। उसको क्या बोलेंगे हम? स्टारवेशन। क्या बोलेंगे? स्टारवेशन। हमेशा, अभी मैंने ये फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश की मगर सप्लाई चालू है तो क्या होगा? यहाँ से पाउडर मेरी ख़त्म होगी मगर वहाँ का पावर सप्लाई चालू होने की वजह से आग फैलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पावर सप्लाई बंद करना चाहिए। और गैस की आग लगती है तो हम क्या करेंगे? गैस का सप्लाई वॉल जो होता है, मेन वॉल होता है, उसको हम क्या करेंगे? पहले बंद करेंगे, फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूल को कम करते हैं, यानी स्टारवेशन, यानी उसको रोकते हैं। और जितनी आग लगी हम उसको फायर एक्सटिंग्विशर से, फायर हाइड्रेंट सिस्टम से हम बुझाते हैं, ठीक है। अभी क्लासेस ऑफ फायर है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास, ये पांच क्लास ऑफ फायर है। ए क्लास में जनरल फायर आती है। क्या आती है? जनरल, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग और पुट्टे को लगी हुई आग को हम जनरल फायर करेंगे, कहेंगे सॉलिड फायर कहेंगे। तो उसको हम कैसे बुझाएंगे? ये पानी से भी बुझा सकते हैं। और ए क्लास, यानी इसका मतलब ए बी सी, ए क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से हम क्या करेंगे? बुझाएंगे। पानी से भी हम लोग बुझा सकते हैं, ठीक है, यानी साधारण आग हो गई, उसके लिए केमिकल की ज़रूरत नहीं है। केमिकल होता है तो हमको अलग फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना होता है, ठीक है। उसके बाद में बी क्लास ऑफ फायर, बी क्लास ऑफ फायर में क्या होता है? पेट्रोल से लगी हुई आग और डीजल, केरोसिन से लगी हुई आग को हम लोग बी क्लास ऑफ फायर कहेंगे। उसको भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझा सकते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उससे भी हम लोग आराम से बुझा सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर से, ठीक है। उसके बाद में सी क्लास ऑफ फायर, क्या आता है सी क्लास ऑफ फायर में? गैस से लगी हुई आग, गैस अगर लीकेज होता है तो उससे लगी हुई आग को हम लोग सी क्लास ऑफ फायर कहेंगे। उसके लिए अभी हम लोग बी सी और ए बी सी का फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझाएंगे, ठीक है। उसके बाद में डी फॉर, डी क्लास ऑफ फायर यानी मेटल फायर, उसके लिए हम क्या करेंगे?
मेटल, मेटल यानी धातु, धातु से लगी हुई आग को हम लोग एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझाएंगे। ड्राई केमिकल पाउडर होता है, ठीक है। उसके बाद में ई क्लास ऑफ फायर यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फायर, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का फायर हम लोग कैसे बुझाएंगे? सप्लाई, पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग सप्लाई बंद करेंगे, उसके बाद में, उसके बाद में क्या करेंगे? सब पानी नहीं डालना है हमको, इलेक्ट्रिसिटी की फायर को हमेशा पानी से नहीं बुझाना है हमको, क्या करना है? फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा ये फायर एक्सटिंग्विशर? एबीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग क्या करेंगे, इसको बुझाएंगे। अभी ये एबीसी का फायर एक्सटिंग्विशर है, बराबर है। इसमें जो नीडल है कहाँ पे है वो? बीच में, बीच में यानी कहाँ पे? कलर कौन सा है? ग्रीन। अगर रेड पे है तो और ग्रीन पे है तो क्या होता है? ग्रीन पे है तो क्या होता है? ग्रीन पे है तो इसके अंदर प्रेशर है, ग्रीन के ऊपर है तो इसके अंदर प्रेशर है, और ग्रीन के या रेड के ऊपर रहेगा तो क्या होगा? प्रेशर खत्म हो गया, मतलब प्रेशर खत्म हो गया। अभी देखो पानी फायर हाइड्रेंट की लाइन है, बराबर है, उसके अंदर क्या होता है? पानी होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? प्रेशर देना पड़ता है। अगर प्रेशर नहीं है तो पानी आएगा नहीं, टिप टिप करेगा खाली, बस इसके आग कभी बुझेगी नहीं। अभी इसके अंदर भी क्या है? प्रेशर है, क्या है? प्रेशर है, तो हमेशा चेक करना चाहिए, ये ग्रीन पे ही होना चाहिए, ये जो नीडल है ये ग्रीन पे ही रहना चाहिए, ग्रीन पे रहेगा तो इसके अंदर क्या है? प्रेशर है। अभी इसके बाद में ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको एक जब ही रिफिल किया जाता है उसके ऊपर डेट लिखा रहता है, और उसके बाद में एक एक्सपायरी डेट भी होता है जो एक साल के बाद उसको चेंज करना होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए इसकी डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है। अगर एक्सपायरी ख़त्म होती है तो हमको क्या करना है? दोबारा रिफिल करना होता है, बराबर। सारे सवालों के जवाब बराबर दे रहे, ठीक है, समझ गए, समझ गए आपको। अभी क्या करना है हमको? अभी आग लगी है, कौन सी आग लगी है? साधारण आग लगी है, बराबर। हम अगर उसको हमको बुझाना है तो कैसे बुझाएंगे? पानी से बुझा सकते, ये पानी से बुझा सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से कैसे बुझाएंगे? उसका एक मेथड है, कौन सा मेथड है? मेथड हाँ, नीडल तो हमने देख लिया, अभी उसको नीडल देख लिया हमारा, ये ग्रीन पे है, अगर रेड पे रहेगा तो हम बुझा ही नहीं पाएंगे, ठीक है, उसके अंदर से पाउडर निकलेगा नहीं। अगर ये पास का मेथड है, कौन सा मेथड है? ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए कौन सा मेथड है? पास। पास का स्पेलिंग क्या है? पी ए डबल एस, बराबर। पहला अल्फाबेट क्या है? पी। क्या करना पड़ेगा पी से हमको? प्रेस नहीं करना है हमको, पी से पुल द सेफ्टी पिन, क्या करना है? पुल द सेफ्टी पिन। अभी सेफ्टी यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे सील लगा हुआ है, बराबर। ये सील को हमको तोड़ना है, मगर अगर सील को नहीं तोड़ दिया और मैं पुल द सेफ्टी पिन कर लिया तो क्या होगा? नहीं निकलेगा, बराबर है कि नहीं? इसके लिए मैंने क्या किया, पहले इसको सील को तोड़ दिया, उसके बाद में मैं क्या करूँगा? पुल द सेफ्टी पिन। ऐसे डायरेक्ट क्लिप दबा दिया होगा नहीं, बराबर। मुझे क्या करना है? पुल द सेफ्टी पिन किया मैंने, पुल द सेफ्टी पिन, फिर मैं क्या करूँगा? दूसरा अल्फाबेट क्या है? ए फॉर एप्पल, नहीं एप्पल तो है ही, मगर इसका इसके लिए हमको क्या करना है? अभी मैंने क्या किया है देखो, आप समझ लो क्या किया मैंने, और उस पाइप को एम, ए फॉर एम, एम द बेस ऑफ फायर, एम द बेस ऑफ फायर, ध्यान में रखो। पहले हम क्या करेंगे, अभी देखो एम नहीं किया तो क्या होगा? हाँ नीचे चला जाएगा, जहाँ पे आग लगी है, हाँ अभी जहाँ पे आग लगी है हमको क्या करना है? उसके फ्लेम ऊपर तक चले जाते, तो हमको क्या करना है? एम द बेस ऑफ फायर, क्या करना है? बेस ऑफ फायर, एम द बेस ऑफ फायर। मैंने निशाना लगाया है जहाँ पे आग लगी है उसके बेस पे मैंने निशाना लगाया, उसके बाद में मैं क्या करूँगा? दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? एस फॉर
एस फॉर, ये क्या है? लीवर है। क्या करूंगा मैं? स्क्विच करूंगा। क्या करूंगा? स्क्विच करूंगा, दबाऊंगा। क्या करूंगा? दबाऊंगा। मैंने अभी निशाना तो लगा है, बराबर है, जहां पे आग लगी है, मगर निशाना लगाने से पहले मैं क्या देखूंगा? क्या देखूंगा मैं? कि उधर आग लगी, आग लगी है, मगर कौन सी दिशा से हवा आई है? मगर हवा का झोंका वहां से आ रहा है और मैं यहाँ से एम करूंगा तो क्या होगा? यहाँ से मैं पाउडर फेंकूंगा, वहां से हवा मुझे क्या करेगी? बराबर, बराबर की नहीं तो क्या होगा? पाउडर मेरे आंख पे आएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? जहाँ से हवा आ रही है उसकी, उसको मुझे क्या दिखाना है? पीठ दिखाना है। क्या दिखाना है? पीठ दिखाना है। और यहाँ पे आग लगी है तो मैं उसके कितने लंबा रहूँगा? 5 से 6 फुट। कितना? 6 फुट। क्योंकि इसके अंदर क्या है? प्रेशर है, पाउडर है, बराबर है कि नहीं? वो पाउडर को क्या करना है मुझे? ब्लैंकेटिंग करना है। पाउडर से क्या होगा? ब्लैंकेटिंग, उसके ऊपर चादर फैलेगी। क्या फैलेगी? चादर फैलेगी। अभी हमको इस्तेमाल करना है, कैसे करेंगे फिर? स्क्विज द लीवर, इसको मैं लीवर को दबाऊंगा। क्या करूंगा? दबाऊंगा। क्या करूंगा? उसके बाद में क्या करूंगा? दबाने के बाद लेफ्ट राइट, यानी चौथा अल्फाबेट क्या है? एस, यानी स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। समझ गए? सबको समझ में आया किस तरह से आग लगती है और किस तरह से हमको बुझाना है? अभी हमको क्या करना है? आग लगाना है। लगाया है वहाँ पे, आग लगाना है और आग बुझाना भी है। समझ, ठीक है? अभी हम यहाँ पे आग लगाएंगे। क्या करेंगे? आग लगा देंगे, ठीक है? फिर बाद में आपको क्या करना है? उसे बुझाना है, उसे बुझाना है, तुरंत बुझाना है। अगर तुरंत नहीं बुझाए तो आग भड़केगी, तो फिर क्या होगा? उधर तक इससे बुझाना पड़ेगा, फायर हाइड्रेंट से। अभी सब लोग एक एक करके क्या करेंगे? एक एक करके आग बुझाएंगे, एक एक करके आग लगाएंगे और फिर एक एक करके बुझा सकते हैं, है कि नहीं? एक बार किसी ने इस्तेमाल किया पाउडर से, फायर एक्सटिंग्विशर से। अभी हवा की दिशा कहाँ पे है? आपकी तरफ है, तो पाउडर आपकी तरफ आ सकती है। और यहाँ पे कौन रहेगा? आइए एक एक करके सब लोग आइए, ठीक है? अभी आप लोग क्या करोगे? पिन निकालना पहले। पुल द सेफ्टी पिन। क्या करेंगे? आग बुझाने के लिए आग तो लगी है। पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में एम करना है। हमारा बाया पैर आगे लेना है, हाँ, और एम द बेस ऑफ फायर, स्विच द लीवर। जब तक पूरी बुझती नहीं है तब तक हमको पाउडर का इस्तेमाल करना है, ठीक है? एक एक करके आइए। और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता आपको पता चलेगा, ठीक है? लगा, हाँ, कॉन्फिडेंस दे दो कि इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? रेडी? हाँ, स्टार्ट। आग लगी है, पहले हम लोग क्या करेंगे? पुल, हाँ, उसको लेफ्ट पैर को आपने ये किया है ना, सेफ्टी पिन निकाल लिया, निकाल लिया ना ऑलरेडी, हाँ। एम द बेस ऑफ फायर, दाया पैर आप, हाँ, आग लिया और स्विच द लीवर। ओके, नाइस, क्लैप्स, तालियां बजाइए। दूसरा नेक्स्ट कौन है? अभी आप इस्तेमाल करोगे, इससे क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप कभी भी जहां पे आग लगी है तो तुरंत इसका इस्तेमाल करेंगे और आग बुझा सकते हो। रेडी? हाँ, दबाइए, हाँ। एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर। लगा लगा फायर, अभी थोड़ा, अभी आप देख सकते हो, सब लोग देखेंगे इसको। आप देखोगे कहाँ पे है ये? ग्रीन, ग्रीन से रेड तक गया, बराबर कि नहीं? इसका प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है? निकल जाता है, ठीक है? एम द बेस ऑफ फायर, नाइस, तालियां। यहाँ पे इसमें कितने केजी का फायर एक्सटिंग्विशर रहता है? पाउडर कितना केजी रहेगा इसके अंदर? 4.5 होगा, 5 केजी रहता है, 5 केजी। थैंक यू, ओके, गुड, तालिया। आप आइए पहले, आग लगने दो पहले, आग लग, आप यहाँ पे कैमरा तब लगेगा। रेडी, स्टार्ट, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, स्वीप द पाइप साइड बाय साइड, वेरी गुड, तालियां।
और कोई है? पैर को आगे निकालो, लेफ्ट का पैर आगे ले लो और निशाना लगाओ, एम द बेस ऑफ फायर, आराम से, और ये दबाओ उसको, स्क्वीज द लीवर, ओके गुड, तालियां। चलो।